बदलाव में पुनः एक बार स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जौनपुर। क्या पढ़ना है हमें? जौनपुर। इससे पूर्व हमने तुगलक वंश पूरा पढ़ा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन बिन तुगलक के द्वारा और उसका उत्तराधिकारी बना है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दो राजवंश की स्थापना पढ़ी आप लोगों ने, और एक है विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। तो अब उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के समय की एक घटना हम देखते हैं। तो उन्होंने जौनपुर नगर बसाया था। जौनपुर नगर बसाया था किसकी याद में? जौना खान की याद में। जौना खान मतलब विश्व का खान, विश्व का खान। और ये कौन था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये शहर जौनपुर कहां पर है? जौनपुर उत्तर प्रदेश। कहां पर है? आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। क्या बोला जाता है इसे? पूर्व का सिराज। क्या कहा जाता है इसे? पूर्व का सिराज। हम देखेंगे आगे पूर्व का सिराज। पद्मावत सबने पढ़ा होगा। पद्मावत क्या है? एक मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ महाकाव्य है पद्मावत। पद्मावत महाकाव्य है। और ये पद्मावत के जो रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है, ये भी कहां के रहने वाले थे? जौनपुर से ही संबंधित थे, जौनपुर के ही निवासी थे। हम बात करते हैं 1394 और 1394 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक द्वितीय। मोहम्मद बिन तुगलक द्वितीय। मोहम्मद बिन तुगलक द्वितीय कौन? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। और इसके द्वारा क्या किया गया? मलिक सरवर। मलिक सरवर, मलिक सरवर को जौनपुर का सूबेदार बनाया गया। जौनपुर का सूबेदार, जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया। याद रहेगा बराबर? 1394 मोहम्मद बिन तुगलक द्वितीय मलिक सरवर को जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया। और उसका वास्तविक नाम क्या था? एक नाम था उसका ख्वाजा जहां। नाम क्या मिलता है उसका? ख्वाजा जहां भी उसी को बोला जाता है। मलिक सरवर का दूसरा नाम क्या है? ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां। और उसकी उपाधि थी मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क, मलिक उस सर्क की उपाधि के साथ में वो वहां का सूबेदार बना। बस इतना हमें याद रखना है कि जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ख्वाजा जहां आए तो सही रहेगा, मलिक सरवर आए तो सही रहेगा, मलिक उस सर्क आए तो भी सही रहेगा। बात एकदम क्लियर हो गई यहां तक? बात समझ में आई? तो शर्की वंश की स्थापना कहां पर? जौनपुर में। किसके द्वारा की गई? मलिक सरवर के द्वारा की गई। कब? 1394 में। 1398 की बात करते हैं। 1398 क्या घटना घटी थी 1398 में? निधि 1398 तैमूर का आक्रमण। शासक कौन सा? नासिरुद्दीन बिन मोहम्मद, नासिरुद्दीन तुगलक। ठीक, यही था नासिरुद्दीन बिन महमूद तुगलक। तुगलक ही है ना, तुगलक वंश का शासक। और उसी के समय तैमूर लंका आक्रमण, तैमूर लंका आक्रमण। और उस आक्रमण के कारण दिल्ली क्या कर दी उसने? पूरी अस्त व्यस्त। दिल्ली को पूर्ण रूप से उसके द्वारा अस्त व्यस्त किया गया। और इसी का फायदा उठाकर मलिक सरवर ने क्या किया? अपने आप को जौनपुर का सुल्तान घोषित कर। बात क्लियर हो गई एकदम? लिखेंगे हम।
तैमूर के आक्रमण के पश्चात ख्वाजा जहां द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई, ठीक। और उपाधि कौन सी धारण की थी उसने? मलिक उस सर, मलिक उस सर की उपाधि के साथ में अब वो जौनपुर राज्य का सुल्तान बन गया। अब इसके बाद में देखेंगे इब्राहिम शाह शर्क। किसकी बात कर रहे हैं? इब्राहिम शाह शर्क 1402 से 1440। इसका शासनकाल कब से कब तक? 1402 से 1440। शिक्षा व कला का संरक्षक क्या किया है इसने? अटाला, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, अटाला मस्जिद का निर्माण, अटाला मस्जिद का निर्माण। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा किया गया था। अब पहले क्या था ये? तो कन्नौज के शासक विजय चंद्र द्वारा निर्मित, क्या था ये पहले? कन्नौज के शासक विजय चंद्र द्वारा निर्मित मंदिर व शिक्षा के केंद्र को तोड़कर उसने क्या किया? अटाला मस्जिद का निर्माण किया 1437 ईस्वी में, 1437 ईस्वी में, 1437 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण किया। पहले क्या था वहां पे? अटाला देवी का मंदिर था। और किसने बनाया था इस मंदिर को? कन्नौज के शासक विजय चंद्र द्वारा बनाया गया था। इब्राहिम शाह शर्की को पूर्व का सिराज, क्या क्या कहा गया है इसे? पूर्व का सिराज। और इसी के नाम से जो है इसे भी, जौनपुर को भी क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज। यदि सुल्तान की दृष्टि से देखा जाए तो किसको? इब्राहिम शाह शर्क या इब्राहिम शाह शर्की। और यदि स्टेट की दृष्टि से देखा जाए तो किसको? जौनपुर को, पूर्व का सिराज। याद रहेगा, पूर्व का सिराज। अब इसके बाद में है हुसैन शाह। कौन? हुसैन शाह। इसके बाद हुसैन शाह जो है इसका उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन तब तक दिल्ली सल्तनत में भी क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। इसके समानांतर दिल्ली में किस वंश का शासन था इसके पहले? तुगलक वंश, पतन हो गया था। उसके बाद में था सैयद वंश का शासन था। और सैयद वंश का जैसे ही पतन हुआ, दिल्ली सल्तनत पर एक बार पुनः सशक्त शासकों की का शासन शुरू हो गया। एक था बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, और उसके बाद सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। तो बहलोल लोदी द्वारा, बहलोल लोदी द्वारा हुसैन शाह को जौनपुर से खदेड़ दिया गया। क्लियर एकदम? बहलोल लोदी द्वारा हुसैन शाह को जौनपुर से खदेड़ दिया गया। लगभग शर्की वंश का पतन हो गया। और रही सुई कसर किसके द्वारा? सिकंदर लोदी द्वारा जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन बनेगा
कि जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? सिकंदर लोदी। यदि ऑप्शन में सिकंदर लोदी नहीं है, बहलोल लोदी दिया है, तो भी हमारा उत्तर एकदम सही होगा। किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वितीय के समय में। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने शहर बसाया था, लेकिन साम्राज्य की स्थापना किसने की? मलिक सरवत ख्वाजा जहां या मलिक उस सर्क के द्वारा। यहां तक क्लियर हो? एक और बात कि हुसैन शाह ने जामा मस्जिद का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण, हुसैन शाह ने जामा मस्जिद का निर्माण किया, झंझरी मस्जिद का निर्माण, झंझरी मस्जिद का निर्माण, झंझरी मस्जिद का निर्माण, साथ ही लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किया। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किया, लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किया। तो ये था हमारा शर्की वंश जौनपुर। तो ऐसे ही हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित विभिन्न वीडियो फिर अपलोड करेंगे, तो देखते रहिए और निःशुल्क जो है वो चैनल का फायदा उठाते रहिए। जय हिंद।